Hello students, hope you all are fine and doing well. Today is your English grammar class. So all of you please open your English grammar spelling power book, page number 7, lesson number 2, personal and possessive pronouns. Now let's start. Pronouns kya hote hain? Pronouns are the words that are used in the place of nouns. प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और आपको जैसे कि हिंदी में पता है सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. तो सेम हेयर, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स डेट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ राचित, आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा. मानसी एंड ऋतिक आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे प्ले. ओके, तो जो यहाँ पर मानसी और ऋतिक को हटा के दे यूज़ कर दिया गया. अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउन यू हैव मार्क्ड आर पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन्स आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन डैट नेम प्रोनाउन. ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सिंगुलर है तो आई, यू या ही और शी यूज़ करेंगे. प्यूरल है तो वी, यू, दे, अस, देम, दोज और देम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आइए पेज नंबर 9. इट्स अ पैसिव प्रोनाउन. ये क्या होते हैं? पैसिव प्रोनाउन इज अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन. पैसिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर पीपल और थिंग्स हु ओन समथिंग. ठीक है, पैसिव प्रोनाउन जो है, जब कोई अपनी ही चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा तो वहाँ पर पैसिव प्रोनाउन होएगा. जैसे कि ये मेरी बाइक है, दिस बाइक इज़ माइन, डैट बाइक इज़ योर्स, ये वो तुम्हारी बाइक है. तो सिंगुलर के लिए आप यहाँ पे माइन, योर्स, His, hers और its use करेंगे, और plural के लिए ours, yours and theirs use करेंगे. Okay students, it is all about your lesson. Read this lesson again at your home and try to understand and also try to solve the exercise given on page number 7, 8 and page number 10. Okay students, have a nice day. Take care. Bye bye.